मुजफ्फरनगर शहर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सुशील मूछ गैंग के सहारनपुर निवासी उत्तम उर्फ वासु को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर COCD कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशील मूछ गैंग का साथी बदमाश उत्तम उर्फ वासु निवासी सहारनपुर अपने साथी के साथ बाइक पर सवार होकर किसी वारदात को अंजाम देने के लिए शहर कोतवाली क्षेत्र में घूम रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने रुड़की रोड पर बदमाशों को घेर लिया। अपने को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। जवाब में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक बदमाश उत्तम उर्फ वासु पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश में पुलिस कॉम्बिंग करती रही। घायल बदमाश पर हत्या, लूट एवं डकैती जैसे संगीन धाराओं में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा। सर, मुठभेड़ हुई है, बताइए कौन बदमाश है। आज कोतवाली पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि जो है एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की, जिस पे दो बदमाश हैं और वो कोई संगीन घटना करने की फिराक में है। इसी पे कोतवाली पुलिस ने वहाँ जो नाकाबंदी की तो जो रास्ता ये जाता है, इससे रुड़की रोड से एक रास्ता बाईं तरफ जाता है, उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है, और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है, उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इसमें हैं। किस गैंग का है सर? ये सुशील मूछ गैंग से रिलेटेड है और पहले भी हत्या के मामले में, कई हत्या के मुकदमों में जेल जा चुका है। उसकी जानकारी की जा रही है कि कहां कहां से वांटेड है और इस पे इनाम की भी जानकारी की जा रही है। क्या है इसके पास? इसके पास से एक अवैध तमंचा है जिससे इसने फायर किया है, दो खोखा कारतूस हैं, दो जिंदा कारतूस हैं, और एक मोटरसाइकिल है बिना नंबर की, अपाचे मोटरसाइकिल है ब्लैक कलर की। और इसका एक साथी और था इसके साथ जो भागने में सफल रहा है। अभी चूंकि घायल को अस्पताल भिजवा दिया है, उसकी भी जानकारी की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, उसको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। कोई पुलिसकर्मी घायल है? हाँ, उसमें एक पुलिसकर्मी हमारा घायल है, एक पिंटू नाम का सिपाही है हमारा, जिसको वो भी घायल है मुठभेड़ में, उसको भी उपचार हेतु रवाना करा दिया।